एक मित्र ने पूछा है कि किसी भी समय बीपीआई हो जाए या घर में किसी का अचानक बीपीआई हो जाए तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि समस्या क्यों हुई है, इसके पीछे के कारण को सबसे पहले जानिए। पहले समस्या का कारण जानिए, उसके बाद निवारण पर आइए। हमारा हार्ट जब खून को शरीर की सारी नसों में सप्लाई करता है तो हमारे नसों में खून गाढ़ा होने की वजह से दिल पर दबाव बढ़ता जाता है, जिससे हार्ट खून भेजने की स्पीड को बढ़ा लेता है, तो इसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। खून गाढ़ा किस कारण होता है? खून गाढ़ा होता है शरीर में एसिड बढ़ने की वजह से। जब हमारे शरीर में अम्ल यानी एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें पेट से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं होने लगती हैं, जैसे पेट में गैस बनना, पेट दर्द होना, अल्सर यानी पेट में छाले, रात में पेट फूल जाना, जिससे नींद न आना, सांस लेने में दिक्कत। ये सब समस्याएं शरीर में एसिड अधिक मात्रा में बढ़ने की वजह से होती है, और यही एसिड बढ़ते बढ़ते जब हमारे खून में पहुंच जाए तो हमें ब्लड एसिडिटी होती है, और शरीर में ब्लड एसिडिटी बढ़ने पर ही हाई बीपी की समस्या, हार्ट अटैक, शुगर होना, ब्लड कैंसर जैसी समस्याएं होती हैं। अब आपको यह समझना है कि आप ऐसी क्या चीजें खा रहे हैं जिससे आपके शरीर में एसिड बढ़ रहा है। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जो एसिडिक होती हैं या एसिड को बढ़ाती हैं, पर घरों में ज्यादातर ये चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे चाय, कॉफी, रिफाइंड तेल, सफेद आयोडीन नमक, सफेद शक्कर, अचार, धूम्रपान, शराब, सफेद गुड़, बारीक मैदे जैसा पिसा आटा जो मार्केट में पिसा पिसाया मिलता है, ये सब एसिड को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। तो इनको या तो बंद कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए, और या फिर इनका अल्टरनेट देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, क्योंकि ये ही बीमारी का कारण है। अब आपको बताते हैं कि तुरंत बढ़ी हुई बीपी को कैसे नॉर्मल किया जाए। हम एक ऐसा ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जिसमें अल्कलाइन की मात्रा ज्यादा हो। आप कहेंगे ये अल्कलाइन क्या है? देखिए, हमें भोजन से दो प्रकार के तत्व प्राप्त होते हैं, एसिड और अल्कलाइन। बॉडी में एसिड 20% रहता है और अल्कलाइन 80%। ये 20-80 का रेशियो जब बॉडी में रहता है तो शरीर में कोई बीमारी नहीं रहती है, पर अगर शरीर में एसिड का रेशियो 20% से ज्यादा हो जाता है तो बॉडी एसिडिक होने लगती है। इस रेशियो को फिर से नॉर्मल करने के लिए ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिसमें अल्कलाइन की मात्रा ज्यादा हो। शरीर में जैसे ही अल्कलाइन की मात्रा बढ़ती है, एसिड न्यूट्रल होने लगता है, और हमें यही करना है, हमें बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रल करना है। तो इसके लिए लौकी लीजिए एक बड़ा कप। लौकी को काटते समय चक्कर जरूर देख लीजिए कि वो कड़वी तो नहीं है। कड़वी लौकी का जूस नहीं बनाना है, वैसे कड़वी आती नहीं है, फिर भी चेक कर लीजिए। एक कप लौकी मिक्सी जूसर में डाल दीजिए, उसमें 7-8 तुलसी के पत्ते, 7-8 पुदीना के पत्ते और थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए, और 1 गिलास के आसपास पानी मिला लीजिए। इसका जूस बनाइए और छानकर इसे पी लीजिए। रोजाना इस प्रयोग को करने लग जाए, बीपी की समस्या जड़ से चली जाएगी और हार्ट की सारी ब्लॉकेज भी दूर हो जाएगी। एक नुस्खा और है, वो भी बड़ा कारगर साबित होता है हाई बीपी की समस्या में। 1/2 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डालकर रात को रख दीजिए। सुबह सुबह मेथी वाला पानी पी जाएं और मेथी दानों को चबा चबा कर खा जाएं। ये प्रयोग सिंपल है पर पावरफुल है। आप इन दोनों प्रयोग में से कोई भी एक प्रयोग करके जरूर देखिए। अगर जिन्होंने पहले से ही इन प्रयोग को करके देखा है तो अपना अनुभव जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि लोगों को भी जानकारी मिल सके। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। परमात्मा सबका मंगल करें। धन्यवाद।